ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। चलिए देखते हैं कहाँ रह गए चौबे भैया। चौबे भैया, अरे बॉबी, चौबे भैया कहाँ हैं आप लोग? अरे भाई पिकनिक के लिए देर हो रही है, जल्दी आइए। अरे भाई हम तो तैयार होके आ गए। अरे पापा जी आप कैसे चल सकते हैं? अरे ये कपल पिकनिक है, इसमें साथी के साथ ही जा सकते हैं। अरे तो हम अकेले कहाँ है बहू बेटा, सब साथी तो है। चाचा जी इनका कहने का मतलब है कि महिला साथी होनी चाहिए। हाँ। महिला साथी जरूरी। हाँ, हाँ। गुप्ता जी तुम भी एकदम वही हो, पियो और फोड़ो। है? क्या उल्लाड़। अरे भाई गुप्ताइन है, मिश्राइन है, बहू बेटा है और मिसेज मिठाई लाल है, तो सब महिलाएं तो हैं। अरे चाचा जी अब समझ का नहीं रहे हैं। अब देखिए हमारे साथ हमारी मिसेज गुप्ताइन है, है? और भाभी जी के साथ चौबे भैया है, आपके साथ तो कोई नहीं है ना। क्या हुआ सर, ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? पापा जी सब ठीक तो है? अरे कुछ नहीं, हमने भाई थोड़ा सा मजाक कर दिया कि तुम्हारे इस कपल पिकनिक में हम भी चल रहे हैं, तो देखो सबके चेहरे कैसे बन गए। अरे मजाक समझिए पापा जी, मजाक कर रहे थे। पापा जी क्यों आएंगे कपल पिकनिक पे, ये तो अकेले हैं। वही तो। अच्छा पापा जी आपके लिए मैंने दाल चावल और करेले की सब्जी बनाकर रख दी है किचन में, टाइम पे खा लीजिएगा। लेकिन बहू बेटा हमने तो तुमसे दही की कढ़ी बनाने के लिए कहा था। वो पापा जी कढ़ी बनाने में टाइम लगता है ना, आज हमें लेट हो रहा था तो दाल चावल बना दिए। कढ़ी मैं आपके लिए बना दूंगी ना एक दो दिन में। हाँ अच्छा चलते हैं, रात को आएंगे। बैग दो, बैग दो। लीजिए वो मोबाइल चार्जिंग पे रखा था, लेना ही भूल गई, आती हूँ। जल्दी आना। हाँ बॉबी जल्दी लेके आओ। अरे हाँ आते हैं। चलो बस भी आ गई होगी। अरे क्या क्या बात है भगवान दास, क्या क्या नए कपड़े? हाँ पिकनिक है, खुशी का मौका है तो। पर पापा जी तो उदास है ना भगवान दास। अरे नहीं नहीं शिवाय, कोई दही वाली कड़ी के लिए उदास क्यों होगा, बॉबी बना देगी ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता भगवान दास कि पापा जी पिकनिक पर ना जा पाने के कारण उदास है? नहीं नहीं शिवाय ऐसी बात नहीं है। अरे पापा जी जानते हैं कि ये कपल की पिकनिक है, वहाँ नहीं जा सकते, और खुद ही तो मजाक कर रहे थे। तुम आ रहे हो या नहीं? मैं क्या करूंगा भगवान दास। क्यों? अब देखो पार्वती देवी तो यहाँ है नहीं, और ये पिकनिक तुम्हारी कपल्स की है ना। हाँ। तो मतलब मैं अकेला वहाँ पर करूंगा क्या? बात तो सही है, मिस करोगे तुम। हाँ चलो चलो चलो, चौराहे पे बस तैयार है, बाकी के सारे सामान हमने रखवा दिए हैं, अब चल के सबको बस में बैठना है। हाँ, 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 चलो चलते। अरे मिश्राइन भाभी, हाँ अरे जल्दी आइए ना। अरे आप लोग चलो हम आ रहे हैं। कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे? बॉबी के चक्कर में ना देर होगी। बॉबी अरे जल्दी चलो। कभी कभी मनुष्य अपनी खुशी में इतना डूब जाता है कि उसको दूसरों का दुख दिखाई नहीं देता, ये सही बात नहीं गलत है। विमला आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, तुम मेरी जिंदगी से क्या गई? ऐसा लगता है कि मेरा कोई साथी नहीं रहा। काश कि तुम मेरे साथ होती। भगवान तुमने मेरी विमला को मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। आत्माराम बेटा मैंने तुम्हारी विमला को नहीं छीना, वो डिपार्टमेंट यमराज का है। तुम होती ना विमला तो हम लोग भी पिकनिक जा पाते। काश विमला तुम एक बार आ जाओ। अगर सचमुच आ गई ना तो तुम डर जाओगे। विमला तुम मेरी बात सुन रही हो ना, आ जाओ बस एक बार।
लगता है आ गई। अरे आत्माराम बेटा, दरवाजा खटखटा कर थोड़ी ना आएगी। आगे लगता है अभी मैं चलता हूं, क्योंकि तुम्हें कोई कंपनी देने के लिए आ गई है। अरे मिस राइन, तुम पिकनिक नहीं गई क्या? जी वो हम। भाई एक बात बताओ, तुमने ये अपने बालों में सफेदी क्यों लगा रखी है? देखिए हम मिस राइन नहीं है, उसकी अम्मा है प्रेमलता। नमस्ते, माफ कीजिएगा हम आपको पहचान ही नहीं पाए। क्या है ना कि आपके और मिस राइन की कदकाठी और सूरत शक्ल इतनी मिलती है कि कद्दू जैसी, हम कंफ्यूजिया आ गए। वो दरअसल लाली के घर पे ताला था। क्या है ना कि लाली और पूरे मोहल्ले वाले जो हैं आज पिकनिक गए हैं, तो रात तक लौट के आएंगे। क्या हुआ, आइए आइए अंदर आ जाइए जी। अरे आइए अपने ही घर समझिए जी। वो हम आपके घर में पहली बार आए हैं, तो एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी? फोटो? आइए ना, आप नहीं गए पिकनिक पे? नहीं, दरअसल ये पिकनिक कुछ अलग तरह की है, इसमें बगैर साथी के नहीं जा सकते थे, और हम तो अकेले हैं। इस उम्र का तो यही रोना है, जब से लाली के पिताजी गए हैं तब से हम भी अकेले ही हैं। अरे छोड़िए, क्यों उदास होती हैं? देखिए आना जाना ये तो जीवन की गति है, इसमें क्या उदास होना। चाय पिएंगी आप? जी ठीक है। तो देखिए उधर किचन है, दो प्याले चाय बना लीजिए। दरअसल क्या है कि हमारा मन भी है चाय पीने का, तो पता नहीं कब तक भटकना पड़ता धूप में। अच्छा हुआ आपका साथ मिला, अब शाम तक वक्त आराम से कट जाएगा। वैसे काफी हसमुख साथी हैं आप। साथी? हाँ, अब देखिए ना, हम दुखी हुए तो आपने समझाया, हमारे साथ बैठ के बतिया रहे हैं, अपने घर बुलाए, चाय पानी पूछे और हमारा साथ दे रहे हैं। साथी और क्या होता है, जो साथ दे वही तो साथी है ना। अरे हाँ, हम लोग तो साथी हो गए। अरे प्रेमलता जी, यहाँ बैठने की क्या जरूरत है, हम लोग तो पिकनिक पर जा सकते हैं। जी पिकनिक? हाँ, अब देखिए ना, पिकनिक जाने के लिए साथी की जरूरत है, और वो भी महिला साथी। तो आप साथी भी हैं और महिला भी हैं, तो चलिए पिकनिक। जी। और खाने पीने का सामान रास्ते में खरीद लेंगे। आइए। अरे आइए आइए। बेबी हाँ? देखो ऐसा है, तुम फल खाओ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम फल खाओगी तो हमारा बच्चा जो है एकदम स्वस्थ होगा। लो लो। अरे क्या गुप्ता जी, ठीक से मारा करो यार। अरे तुम यहाँ? पार्वती मैया भी आई है साथ में। भगवान दास, मैं यहाँ तुम्हारे कपल पिकनिक पर नहीं आया हूँ, मैं हर जगह होता हूँ, और वैसे भी पार्वती मैया को यहाँ लाने की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई कपल पिकनिक तो हो नहीं रही है, सारे जोड़े अलग हैं। देखो हाँ सब अलग अलग हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, कपल पिकनिक पे आए तो सब लोग साथ में हो जाइए ना। आ जाओ आ जाओ। भगवान दास हाँ? उनको भी बुला लो। ये तो पापा जी है। अरे पर इनके साथ में कौन है और यहाँ क्या कर रही है? भगवान दास पिकनिक के लिए आए, मतलब एक और कपल। कपल? सुनो ये पुरानी हवेली है ना? हाँ वही है।
सुबह आए थे तो घर पे ताला मिला, फिर चौबे जी मिल गए और हमको यहाँ ले आए। यही तो, अरे कसम शाहिद कपूर की, पुरानी हवेली आपको किसी ने बताया नहीं, ये कपल पिकनिक है। हाँ वही तो। पापा जी, आपका और मिश्राइन की अम्मा का कोई साथी नहीं है? अरे कैसे साथी नहीं है, हैं? अरे भाई देखो, हम इनके साथी हैं, ये हमारी साथी हैं, और ये औरत भी है। पापा जी आप समझे नहीं, क्या है कि ओफो, अब बहस करना बंद कर दो, अब पुरानी हवेली आ ही गए हैं तो रहने दो ना जीजा जी, अब हम ना गेम्स खेलेंगे, चलो 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 चलो। भाई सुनो, एक मिनट भाई, आज सिर्फ अंताक्षरी खेलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने जो है बेबी को भागने दौड़ने से मना किया है। अरे यही तो, कसम अनिल कपूर की, हर खेल में दौड़ भाग की जरूरत नहीं होती। अरे हम वो वाला गेम खेल सकते ना, अब वो कपल मेकअप वाला। अरे भाई वो लाली और लिपस्टिक हम नहीं लगाएंगे। अरे भाई इस खेल में जो है मर्द लोग औरतों का मेकअप करेंगे। अरे हमने सबसे पहले मेकअप कंप्लीट कर लिया। अरे हम तो जीत गए। इसी बात पे एक सेल्फी हो जाए। शिवाय, पापा जी जीत गए? जानता हूँ मैं भगवान दास। हाँ लेकिन कैसे? वो क्या है कि कंसंट्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है भगवान दास, मतलब पापा जी के दिमाग में उनका पार्टनर था, तुम्हारे दिमाग में कौन था? कालिया। मिठाईलाल और खटाईलाल के दिमाग में समोसे थे, और गोबर बेटा की तो छोड़ ही दो भगवान दास, मतलब उनके दिमाग में तो हमेशा रिश्वत रहती है। सुनो सुनो भगवान भैया, इधर आइए, अब तीन टांग की रेस होगी। आप लोग रेडी है? हाँ। चलो फिर, ऑन योर मार्क, गेट सेट, दौड़ो। बहुत जीत रहे हैं ये, अब देखते हैं मिठाई कैसे जीतते हैं ये लोग, अभी देखते हैं। अरे सुनो भाई सुनो सब लोग, अब वो रेस होगी जिसमें अपने साथी को उठाकर दौड़ना है। सुनो ऐसा है, और कोई गेम नहीं है क्या जिसमें भागा ना जाए? अरे पता है ना कि हमारी बेबी जो है प्रेग्नेंट है भाई। यही तो, अरे प्रेग्नेंट मैं हूँ, आप नहीं, आप मुझे गोद में उठाकर भाग नहीं सकते। वही तो जीजा, इसी बारे बच्चा उठाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, चाचा जी। वाह चाचा जी, ये सरासर चीटिंग है, आपको अम्मा जी को उठा के लेके दौड़ना था। अरे गुप्तान क्या बात करती हूँ, कैसी चीटिंग थी? देखो भाई, इसमें अपने साथी को उठा के दौड़ना था, अब ये हमारी साथी हैं और हम इनके साथी हैं, अब कौन किसको उठा के दौड़ता है इसमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ छोड़ो ना। हाँ और क्या भाई, देखो साथी तो वही होता है जो एक दूसरे की कमी को पूरा करे और उसका पूरा पूरा साथ दे। अरे चलो चलो, बहुत हो गया खेल कूद, अब इस कंपटीशन के बेस्ट कपल को इनाम देने की बारी है। ये लेडीज पर्स। वही तो पापा जी, आप लेडीज पर्स रख के क्या करेंगे? लाइए।
प्रेमा जी, इसे आप रख लीजिए। अरे हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा समझ के रख लीजिए। सालों बाद किसी ने हमें तोहफा दिया है, थैंक यू। अरे भाई देखो ऐसा है, सारे गेम हम तो खत्म हो चुके हैं, अब कुछ खा लिया जाए क्योंकि हमारा मटका बहुत प्रसन्न है। मजा आ गया आज पिकनिक में। कैसा लगा तुम्हें? बहुत आया भगवान दास। वैसे एक बात तो है भगवान दास। क्या मतलब? आत्माराम बेटा और प्रेमलता के बीच में तालमेल बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है, बेस्ट कपल है भाई। बेस्ट कपल है मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो कि मिश्राइन की अम्मा और पापा जी में? भगवान दास मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रतियोगिता में बेस्ट कपल हैं। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं मैं मतलब कुछ कहना चाह रहे थे ना तुम। मुझे भी यही लगा कि हाँ। तो परेशान क्यों हो भगवान दास? मैं परेशान हूँ? अच्छा हाँ, भूख लगी है ना इसलिए परेशान हूँ। मैं खाना खा के आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो चलो देखते हैं इतने सारे खाली दिमाग मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। पापा जी। हाँ बहू बेटा। पापा जी चलिए चाय पी लीजिए नीचे आकर। अरे बहू बेटा हमने तो चाय पी ली। अरे हमने अभी अभी चाय बनाई है, तो आपने पहले कैसे पी ली? दरअसल बहू बेटा वो हुआ यूं कि तुम्हें क्या बताएं, हम वो प्रेमलता देवी ने चाय बना ली थी तो हमने पी ली। कौन प्रेमलता? अरे वही ये अपने मिश्राइन की अम्मा। मिश्राइन की अम्मा? हाँ। अच्छा? उन्होंने गुड़ की चाय बनाई थी तो हम मना नहीं कर पाए, हमने पी ली। क्या स्वाद था उसका। पापा जी आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे हमने कभी आपको गुड़ वाली चाय पिलाई ही नहीं। अरे नहीं बहू बेटा, तुम भी गुड़ की चाय बहुत अच्छी बनाती हो, लेकिन क्या है बेटा किसी किसी के हाथ का स्वाद कुछ अलग होता है, जैसे तुम्हारी सासू माँ के हाथ का था। प्रेमलता जी ने आज पुरानी यादों को ताजा कर दिया। पापा जी आपके लिए पोहे बनाऊं क्या नाश्ते में? अरे नहीं बहू बेटा, पोहे और उपमा को छोड़ो, आज ना हम तुमको मेथी के पराठे हरी चटनी के साथ खिलाते हैं। पापा जी आप नाश्ता बनाएंगे? वाह आप तो खन्ना साहब से भी दो कदम आगे निकले। मेथी के पराठे तो कभी खन्ना साहब भी नहीं बनाते। अरे बहू बेटा हम काहे के लिए बनाएंगे, अरे अपनी प्रेमा देवी जी है ना। हाँ वो तो है, बस वही बना रही है हमारे लिए मेथी के पराठे। आपके लिए? अरे नहीं बहू बेटा मतलब हम सब के लिए। मानना पड़ेगा इस उम्र में भी इतनी ताकत है कि पूरे मोहल्ले के लिए पराठे बनाए जा रहे हैं। चौबे जी हम आ गए हैं। लीजिए मेथी के पराठे फटाफट से खा लीजिए। अरे वाह प्रेमलता जी इसको तो पकड़िए। कितने दिनों से मेथी के पराठे खाने का मन कर रहा था। अरे बाप रे बाप इतने सारे पराठे। अरे आप खाइए तो, खाते रह जाएंगे। आपके सनी देओल से कम थोड़ी है। देखिए जरा हिसाब से लगाइए, सनी देओल कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अरे इतनी बॉडी तो खन्ना साहब की भी नहीं है। खन्ना ओ बेटा जी, वो दिखने की बात नहीं कर रही, डाइट की बात कर रही। और तुम जाओ लपक के दो प्याला चाय बना लो। प्रेमलता जी आई हैं। जी सनी देओल। पापा जी आइए, बड़ी प्यारी बच्ची है। कुछ कहा आपने? चाय। अरे इस डिब्बे में क्या है? चटपटी चटनी है हरी वाली, इसमें लगा के खाइए। आहा भाई मजा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसी चटपटी चटनी खाई है। बिल्कुल ऐसी ही तारीफ करके खाते थे मेरे बड़के भैया, आपने उनकी याद दिला दी। आप भी खाइए ना। आप खाइए। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? किसी ने आज तक आपके लिए गुड़ वाली चाय बनाई है जिसमें गुड़ से ज्यादा हाथ की मिठास हो? मतलब क्या है? मतलब किसी ने आपके लिए मेथी के पराठे बनाए हैं और वो भी हरी चटनी के साथ। हाँ
तुम ही बनाती थी, लेकिन हाँ भारी चटनी की जगह ना तुम मुझे वो नींबू का अचार खिलाती थी। अरे वैसे नहीं, अरे मैं तो बनाऊंगी क्योंकि मैं तो बीवी हूँ। किसी ऐसे ने बनाए हैं जो बीवी ना हो? रामलाल। अरे वैसे भी नहीं, किसी ऐसे ने बनाए हैं जो कि आपकी बीवी ना हो, किसी दूसरे की बीवी हो। अच्छा हाँ मौसी जी, वो तो मौसा जी की बीवी थी ना, मेरी थोड़ी थी। अरे आप भी ना। अच्छा किसी ने आज तक आपको सनी देओल कहा है? नहीं। हाँ लेकिन कॉलेज में दोस्त मुझे ऋषि कपूर कहा करते थे। हम तुम एक कमरे में बंद। लड़कियाँ? लड़के। और हिस्ट्री के प्रोफेसर ही थे, वो ही मुझे ऋषि कपूर कहते थे। लेकिन तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? देखो बॉबी, मैं एक पत्नी व्रता पति हूँ, मेरा कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वही तो, पर पापा जी नहीं करते ना। पापा जी अब मम्मी जी के लिए उतने ईमानदार नहीं है, पैर फिसल रहे हैं उनके। क्या फिर से? पापा जी को कितनी बार कहा है मैंने कि आपकी चप्पल खिस गई है, आप फिसलेंगे, आप गिरेंगे, और हुआ यही। अब मैं कल ही जाकर ना इनके लिए नई चप्पल लेकर आता हूँ। अभी तुम सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। वही तो, आप हमेशा सोते ही रहिएगा। क्या? अरे वो मिश्राइन की अम्मा पापा जी के लिए गुड़ वाली चाय बनाती है, मेथी के पराठे बना रही है, वो भी हरी चटनी के साथ। लेकिन वो पापा जी के लिए ऐसा क्यों बना रही है? वही तो सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोते ही रह जाएं और मिश्राइन की अम्मा आपके घर में आपकी अम्मा बन के आ जाए। वो क्या है कि जरा नजर कमजोर है पापा जी की। खाइए। ये अम्मा भी ना कहाँ चली गई है। बॉबी क्या हुआ मिश्राइन? अरे बॉबी हमारी अम्मा नहीं मिल रही है, तुम्हारे यहाँ है क्या? वही तो, अरे हम तो कब से पापा जी को ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे घर आए हैं क्या? ओहो तुम्हारे पापा जी हमारे घर में क्या करेंगे? तो फिर तुम्हारी अम्मा हमारे घर क्यों आएगी? ठीक है, अच्छी बात करते हैं। ये सवारी कहाँ से आ रही है चाचा जी? वॉक करने गए थे, अभी सुमर में कबड्डी तो खेलेंगे नहीं। बेटा हमें भी वॉक पे जाना है। अच्छा चलिए, क्यों नहीं। चाचा जी हमारे पापा जी को भी कल से वॉक पे ले जाइए ना, अगर आपको डिस्टर्ब ना हो तो। अबे हमें क्या डिस्टर्ब होगा भाई, वॉक करने जाएंगे, अपने पैरों चल के जाएंगे, कौन हमारी गोदी में बैठ के जाएंगे। अरे सुनिए लाली, कसम बता रहे हैं इस आदमी की नजर ठीक नहीं है। हाँ कैसे उल्लू की तरह देख रहा है। आइए चलते हैं। चलिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पापा जी मेरी जिंदगी। क्या हुआ भगवान दास? अरे ये पापा जी को क्या हो गया? अरे मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। नहीं देखो ना पापा जी गाना गा रहे थे। हाँ भगवान दास, आत्माराम बेटा अच्छा गाता है। देखिए मुझे पापा जी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। सही कह रही है बॉबी बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि गायक बनने के चक्कर में पापा जी मुंबई भाग जाएं। पापा जी भाग जाएंगे? भागेंगे क्या इस उम्र में। लेकिन अगर मिश्राइन की अम्मा के साथ धीरे धीरे चल के भी गए ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी मोहल्ले में हमारी। एक सेकेंड, पापा जी मिश्राइन की अम्मा के साथ क्यों जाएंगे? अरे भाई दोस्त है उनकी, हो सकता है वो भी गाना गाती हो। अरे आप क्या इधर उधर देख के बातें कर रहे हैं, खन्ना साहब को देखिए, उनकी बीवी जब भी बोलती है ना तो वो सामने खड़े रहकर चुपचाप सुनते हैं। और एक आप हैं, देखिए मुझे तो लगता है ये मिश्राइन की अम्मा और पापा जी के बीच कुछ ज्यादा ही छन रही है आजकल। क्या क्या अनाप शराब बोल रही हो बॉबी तुम। वही तो, पापा जी को देखिए जरा, जिनके मुंह से हमेशा हनुमान चालीसा ही सुनाई देती थी आज वो रोमांटिक गाना गा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत बुरा गा रही हो। देखिए मैंने तो आपको बता दिया, अब आगे जाकर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए ना तो मुझे मत कहिएगा। शिवाई बॉबी जो कह रही थी सही कह रही, गलत बोल के गई है भगवान। मैंने खुद आत्माराम बेटा को हनुमान चालीसा के अलावा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सुना। क्या यार तुम ना हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। अरे मत पूछो,
खूब चल रही है आजकल मिश्राइन की अम्मा और भगवान भैया के पापा जी में। क्या बात कर रहे हो मिठाई लाल? अरे सच कह रहे हो भाई सच। पिकनिक पे गए थे हम, वहाँ भी दोनों साथ साथ ही थे और भगवान भैया के पापा जी तो वहाँ साथ साथ। शिवाय ये मिठाई लाल क्या कह रहा था? मुझे देखकर चुप क्यों हो गया? अब देखो भाई, मिठाई लाल का तो पता नहीं, हाँ पर एक व्यक्ति अवश्य है जो तुम्हारे बारे में इस वक्त बात कर रहा होगा। कौन? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो भगवान दास? कालिया। हाँ यार, ना हमेशा मुझे देर करवा देते हो, किसी दिन मुझे नौकरी से निकाल देगा कालिया तू। भगवान भैया प्रणाम। कैसे हैं भगवान भैया? ठीक हूँ। अरे बहू बेटा। जी पापा जी। अरे मिश्राइन, वो अपनी अम्मा से कह देना, उनका समोसा खाने का मन था ना, हम ले आए। जी चाचा जी, बोलते हैं। अरे वाह चाची, आप समोसे यहाँ भी खाएंगी और घर में भी लेके जाएंगी? अरे नहीं बेटा, ये कढ़ी तो मैं आप सबके लिए लाई हूँ। अरे वाह, दही की कढ़ी। कई दिनों से खाने की हम सोच रहे थे। बो बेटा, आज रात में तुम चावल बना लेना, चावल के साथ कढ़ी खाएंगे। लेकिन पापा जी, रात तक तो ये ठंडी हो जाएगी और बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता। अरे नहीं बेटा, बासी कड़ी में भी उबाल आता है। वो तो हम देख ही रहे हैं। अरे चाची लाइए ना, हम अंदर रख देते हैं। समोसा खाइए, नहीं ठंडा हो जाएगा। सब क्या हो रहा है? कड़ी चावल पक रहे हैं, बासी कड़ी में उबाल आ रहा है और पुराने चावल पक रहे हैं। देखो बॉबी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। जब मैं बता रही थी आपको तब बेवकूफ समझते थे मुझे, अब देखिए। हो गया, अब देखना 2-3 दिन में ही आराम हो जाएगा। और क्या हो रहा है? आइए अंदर आइए, बताती हूँ। लाली और दामाद जी से कई बार कहा कि हमारा पैर कट गया है, पर वो दवा नहीं लाए और आपने बस सुना और ले आए दवा। अरे भाई, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है प्रेमलता। आप हमें प्रेमा कहा कीजिए। प्रेमा जी, वो क्या है ना, हमारे बड़े भैया हमको इसी नाम से बुलाते थे और आप हमें उन्हीं की याद दिलाते हैं। चलो भाई, तुम्हारी बात मान ली, प्रेमा। जय हो। क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हो भगवान दास। शिवाय, एक्सप्रेशन तो ठीक से पकड़ा करो, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, परेशान हूँ। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बीपी लो हो गया हो भगवान दास? एक काम करो, ये समोसा खाओ। अरे नहीं। अरे भाई, क्या इसमें नमक होता है, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, मैं समोसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पापा जी जो मिश्राइन की अम्मा के साथ कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। पापा जी मिश्राइन की अम्मा के साथ क्या कर रहे हैं? अरे मतलब वही वाली बात है यार, कि पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, फिर भी दोनों, मतलब समझ रहे हो ना तुम? नहीं, मतलब उनके बीच में कुछ चल रहा है। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, मतलब नहीं चल रहा है। अब मुझे क्या मालूम भगवान दास, मैंने तो देखा नहीं भाई, तुम बताओ। कुछ तो गड़बड़ है शिवाय। अच्छा, तुम्हारी अंतरात्मा यही कहती है? मेरी अंतरात्मा भी यही कह रही है कि ये गलत है। तो ठीक है। ठीक नहीं है, गलत है, गलत है। अरे मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ भगवान दास, कि जो तुम्हारी अंतरात्मा कह रही है वो सही, आत्मा राम बेटा जो कर रहा है वो गलत। हाँ। तो जाओ भगवान दास, जाकर समझाओ उन्हें। नहीं नहीं, ऐसे कैसे समझा दूं, मैं ना उन्हें अकेले में समझाता हूँ।
हाँ बोलो। पापा जी बहुत समय से आप तीर्थ यात्रा पे जाने की सोच रहे थे, तो 2-3 साल के लिए हो आइए। 2-3 साल? मतलब 2-3 साल से सोच रहे थे ना, तो कुछ समय के लिए हो आइए। अभी कल ही हम तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहे थे। अच्छा, अरे वाह। पर बेटा आप तुम्हें साथ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें हमारा साथी मिल गया। कौन, ये भाई साहब आपके साथ जा रहे हैं? अरे नहीं, प्रेमा जी। कौन प्रेमा? देखो सब लोग उनको प्रेमलता जी कहते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रेमा जी कहते हैं। एक काम करते हैं पापा जी, अभी अभी सोचा मैंने कि आप तीर्थ यात्रा पे मत जाइए, क्या है पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं कहीं भूकंप आ जा रहा है, तो आप ना 7-8 दिन के लिए विपाशना में चले जाइए। अरे इतने दिनों तक चुप कौन बैठेगा, पर इतने दिनों के बाद तो कोई बात करने वाला साथी मिला है। अरे शादी करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, ये क्या कि अगर पहली पत्नी न रहे तो आदमी दूसरी शादी ही ना करे। भाई इस उम्र में तो साथी की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। अरे बीवी किसी पर बोझ क्यों बनेगी, अच्छी खासी पेंशन आती है, सुख से जिंदगी गुजरेगी। हाँ बच्चों का क्या है? हाँ हाँ पता है बच्चे एतराज करेंगे, लेकिन उनको बताने की जरूरत ही क्या है। जब बीवी घर पे आ जाएगी तो उनको अपनाना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो, शादी आज शाम को मंदिर में होगी। अरे भाई जब पूरे रस्मों रिवाज के साथ विधि विधान के साथ भगवान को साक्षी मानकर मंदिर में शादी कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? प्यार हो गया तो हो गया, इसमें उम्र क्या करेगी भाई। आज शाम को ही शादी, इनको बताना पड़ेगा। अरे यार प्यार तुमने किया है, शादी तुम कर रहे हो, इसमें मैं क्या करूंगा। अरे नहीं 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 भाई, अब इस जिंदगी में तो हमें किसी से प्यार नहीं हुआ, हमारी जिंदगी में तो बस फिमली थी, और अब जब वो नहीं है तो उसकी यादें। अच्छा रखते हैं, गॉड ब्लेस यू। सोचता हूं कि अपने साथ प्रेमा को ले लूं, ले चलूं उसको अपने साथ, शॉपिंग वॉपिंग करा देगी, होशियार है वो, वाइज लेडी। हाँ बॉबी। हेलो सुनिए, जल्दी से घर आ जाइए। अरे नहीं नहीं, कालिया ने अभी ताजा ताजा डांटा है, वो अभी छुट्टी नहीं देगा। अरे आप यहाँ नहीं आएंगे ना तो हम सबकी छुट्टी हो जाएगी। पापा जी शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कपड़े के थान और ब्लाउज पीस का बिजनेस शुरू करना है। अरे इंसान शादी क्यों करता है? पर ये अचानक इतनी जल्दी में शादी? आपको क्या पूरे कानपुर में इनविटेशन कार्ड बांटते थे? इतनी जल्दी शादी, जल्दी से घर आ जाइए। अब पापा जी आज शाम को मंदिर में शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये भी ना कमाल करते हैं। ए भगवान, पापा जी को शादी करने से रोक लो, उन्हें सद्बुद्धि दो। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कलमुही जबान चलाती है, आत्माराम जी। अरे क्या हुआ प्रेमा? आज से या तो ये मनहूस इस घर में रहेगी या फिर मैं। तेरी इतनी मजाल, मेरी प्रेमा से जबान लड़ाती है। निकल बाहर, नहीं पापा जी, बाहर निकल पापा जी, नहीं पापा जी की बच्ची, निकल बाहर, छोड़िए मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इस घर को,
मुझे ये शादी रोकनी पड़ेगी। पापा जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बहू बेटा, बहुत जरूरी काम से जा रहे थे। अरे हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। बेटा एक बात बताओ, ये दूल्हे के लिए शादी की अच्छी ड्रेस कहाँ मिलेगी? बॉबी बेटा, ये बताओ कि दुल्हन के लिए अच्छी ड्रेस और सामान कहाँ से मिलेगा शादी का? कहीं नहीं। वो बाजार बंद है आज, कानपुर बंद है, भारत बंद है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। अरे बहू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम सुबेरे गए थे तो पूरा मार्केट खुला हुआ था। अरे भाई प्रेमा, जल्दी करो, नहीं तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे बहू बेटा, एक बड़ी जरूरी बात कहना भूल गए थे। भग्गू से कह देना कि लौटते लौटते हमको रात हो जाएगी, तो परेशान न हो। आओ प्रेमा, चलते। बाप बुढ़ापे में शादी करने चला है और बेटा परेशान भी ना हो। अरे भाई पहुंच जाएंगे, और क्या चाहिए? जलेबी खाइए ना। अरे नहीं खाना। खाइए ना, खाइए ना। नहीं खानी है। खाइए ना, अच्छा है। अरे देखिए चौबे जी, देखिए ना चौबे जी, जबरदस्ती जलेबी खिला रहे हैं। जबरदस्ती? आपको शर्म नहीं आती? आपकी भाभी की तरह है ये। भाभी? अरे भाई, अगर इनके पति जिंदा होते तो मेरे भाई की तरह होते, तो भाभी जी हुई कि नहीं हुई? अब जाओ भाई, हमारे पास वैसे टाइम नहीं है, चलो। आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, न जाए तो थप्पड़ मारा मेरे पापा जी को। पापा जी को थप्पड़ मारा आपने? हाँ मारा। क्या मजाक है? अरे आपके बाप की हरकतें देखो। क्या देखे? अरे आपको तमीज नहीं है बिल्कुल भी। हमको तमीज नहीं है। अभी आपके सामने थप्पड़ मारा, आप देख रही है? अरे क्यों नहीं चिल्लाएंगे? थप्पड़ मारा आपने हमको। एक सेकंड, एक सेकंड। चौधरी जी कमाल हो गया, मेरे पापा जी को थप्पड़ मारा, दिन दहाड़े आपके पापा जी गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुप्ता जी पहले बताइए तो सही की बात क्या है? पापा जी ने गुप्ता जी के पापा जी को थप्पड़ मार दिया। चौबे भैया, आज तक तो सिर्फ रंगरेलिया ही चल रही थी, लेकिन आज एक औरत के लिए मारपीट भी हो गई है। गुप्ता, हमारी अम्मा के लिए कुछ मत कहना। मिश्राइन, समझाओ तुम अपनी अम्मा को। बस करो लाली, इनसे क्या बोल रही हो? अपनी अम्मा जी को संभालो, पूरा मोहल्ला हंसता है। चाचा जी क्या चल रहा है ये? तुम कौन हो तो हमसे पूछने वाले, और हम तुमको जवाब क्यों दें? पापा जी, मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं आपका बेटा हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। सब लोग हंस रहे हैं आप पर पापा जी, आपको क्या लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जींस टी शर्ट कैप क्यों कड़ी बनकर आ रही है? अरे साबित क्या करना चाहते हैं कि बॉबी आपके लिए कड़ी नहीं बनाती? हम दोनों आपका ख्याल नहीं रखते? नहीं बेटा, बेटा तुम सब तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने देते, लेकिन बेटा मन भी तो कोई चीज होती है ना, कभी हमारा मन कड़ी खाने के लिए होता है, लेकिन बबलू को राजमा खाना है तो हम राजमा खाते हैं। कद्दू हमें बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें नहीं पसंद है तो कद्दू बन नहीं सकता। भगू बेटा, बेटा हमारा भी मन करता है कि हम तुम्हारे पास, बहू बेटा के पास, बच्चों के साथ बैठे हैं, उनसे बातें करें, हंसें मुस्कुराएं, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। और बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे पास वक्त की कमी है। बहू बेटा दिन भर घर के कामकाज में लगी रहती हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, तो बेटा ऐसे में हम लोग क्या करें? क्या जिंदगी होती है ना हम बुजुर्गों की भी, सुबह उठो, अखबार पढ़ो, 2 घंटे पूजा करो और फिर नाश्ता, दोपहर को खाना खाओ और फिर सो जाओ, फिर शाम को टीवी देखो, रात को फिर खाना खाओ और फिर सो जाओ। पर इसका मतलब ये है कि आप दोनों शादी कर लेंगे? शादी? अरे शादी तो इनके दोस्त की है।
हम लोग तो उनकी पत्नी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बेटा तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई, कैसे सोच लिया तुमने ये सब? एक बात बताएं वो बेटा, हमारी जिंदगी में विमला के अलावा न कोई था न कोई है और न कोई होगा, लेकिन अगर प्रेमा हमारी दोस्त है तो इसमें क्या बुरा है? प्रेमा के साथ बैठकर हम खड़ी दो घड़ी सुख दुख की बातें कर लेते हैं, उसकी सुनता हूँ अपनी कहता हूँ, तो आखिर इसमें कहाँ गलत है? गलत है चौबे जी, हम घुटते रहे मरते रहे पर अगर किसी से कुछ कहें तो वो गलत है। माफ करना बेटी, दामाद जी हमारी वजह से आपका तमाशा बन गया, हम आज शाम के गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती प्रेमा। अरे भाई हमने अपने दोस्त को वादा किया हुआ है, वो क्या सोचेगा? अभी शादी की कितनी खरीदारी करनी है और शाम को शादी है, तुम बताओ मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा ये सब? देखो प्रेमा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कल खुद तुमको गाड़ी में बैठा गया, लेकिन आज नहीं जाना तुम। अरे चलो भाई कितना काम पड़ा हुआ है, चलो। भाई इट्स ऑल राइट भगवान दास। मतलब मुझे लगा तुम मुझसे सॉरी बोलने आए। खैर कोई बात नहीं, वैसे सॉरी तुम्हें आत्माराम बेटे और प्रेमलता से बोलनी चाहिए। हाँ बहुत गलत सोचा मैंने उनके बारे में, मैं माफी मांगूंगा उनसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान दास क्या जिंदगी की भागदौड़ इतनी अधिक हो गई कि जिन माँ बाप ने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए इतना कुछ किया उनके लिए आज तुम्हारे पास समय नहीं है? नहीं शिवाय ऐसी बात नहीं है। भगवान दास आज जहाँ पर वो है उनकी मनस्थिति के बारे में सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी के 7 दिन उनकी तरीके से बिता सकते हो, जहाँ तुमसे कोई बात करने वाला ना हो, जहाँ तुम्हारी फरमाइशें पूरी ना हो सके? ऐसे में यदि उन्होंने एक साथी बना भी लिया तो उसमें क्या दिक्कत है भगवान दास? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आप सब भी सुन लीजिए, उम्र के जिस पड़ाव में आज आपके माँ बाप है कल आप भी उसी पड़ाव में होंगे। आज आप अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए समय नहीं निकाल पाते, कल आपके बच्चे भी आपके लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। तब मुझसे शिकायत मत करना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। याद रखिए वो आपके बच्चे नहीं है, आप उनके बच्चे हैं। इसीलिए कहता हूं कि जितनी भी उनकी जिंदगी बची है उन्हें उनके तरीके से जीने दीजिए, ये मेरी विनती है आपसे।